अस्सलाम वालेकुम भैन तो भराओ, मैं तुहाडा अपना जफरी खान ते अज मेरे गेस्ट स्टूडेंट ने वो अज मेरे को आए ने, मेरे नास्ते आए ने, सुपीरियर यूनिवर्सिटी लॉ स्टूडेंट ने। ठीक है जी, कुछ बच्चिया ने कुछ बच्चे ने, ते मेरे भाई ने अर्शद साहब, मतलब उन्होंने बच्चे भी उत्थे पढ़ते हैं, तो उन्होंने रेफरेंस नाल आए ने, तो असं उन्होंने खाना शाना अरेंज कर रहे हैं अज, क्योंकि उन्होंने बड़ी फरमायश है कि जी असी तुहाडे फार्म हाउस से तुहाडे नाल खाना खाना। अजन वास्ते असी बना रहे हैं चिकन बिरयानी। आ जा मामा। अस्सलाम वालेकुम जी, सब भैन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। अज असी वास्ते बना रहे हैं चिकन बिरयानी ते पालक गोश्त, ते नाल बना रहे हैं पालक गोश्त। ठीक है, तुहानू बच्चियां नाल भी तारफ कराने हैं। पहले जरा मैं कहना सी जरा देग चढ़ा लीए क्योंकि बच्चे बहुते ने। चलो जी, साडा चुल्हा भी वड्डा हो गया। तुसी देखो ना कि अल्लाह पाक दा कितना शुक्र है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाह पाक का मतलब कितना आसान है कि जेडे हुण आने वाले वक्त दे कोई वकील ने, कोई जज ने, या कोई मतलब वड्डे वड्डे अहुदियां दे जेडे बच्चे ने, वो ख्वाहिश बन सी जी जफरी खान साहब नूं मिलना। तो बड़ा अच्छा भी लग रहा है, बड़ी खुशी महसूस हो रही है, खर्चा भी हो रहा मेरा। मामा लगता पिछो तेरा चुल्हा उच्चा है, है ना? स्टार स्टार ही होंदा वेला। मैं कहना पिछो चुल्हा उच्चा है। लो जी, लो जी, ये साड़ी बिरयानी रेडी हो रही है बच्चे वाली, ते आओ जरा बच्चे वाली। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम जफरी खान फार्म हाउस। थैंक यू। और अगर कोई हाथ मिलाने वाला रह जाए तो आपस से मिला लेंगे। इन्हें जेडे मिलना आवे तुसी ते कॉलेज विच भावे चौके ना लै जाए ता, बल्कि यूनिवर्सिटी है ताडी ते। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप लोग सब लोग स्टूडेंट हो? जी, क्लास फेलो। अब मतलब आप क्लास फेलो है सर, तो आप में से कोई टीचर तो नहीं है? नहीं। पक्की बात है? जी जी। आपका क्या नाम है? बिलाल, अहमद बिलाल। बिलाल कहाँ रहते हो आप? मैं सब्जी मंडी में, सब्जी मंडी लाहौर। जी, आप क्या पढ़ रहे हैं? मैं लॉ पढ़ रहा हूँ। लॉ पढ़ रहे हैं जी ये। और आप आए जी, कौन है आगे? आपका क्या नाम है? अनस बिलाल। अनस बिलाल, माशाल्लाह बड़ा अच्छा नाम। आप क्या पढ़ रहे हैं? मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, और सुपीरियर यूनिवर्सिटी से मैं करता, फर्स्ट सेमेस्टर है मेरा, जैसे मैं लॉ कर रहा हूँ। माशाल्लाह, लॉ करके तो फिर अपना जनरल स्टोर पाओगे। तलाकां वाला वकील जी, मैं ताड़ा बहुत बड़ा फैन है। थैंक यू वेरी मच। बहुत ज्यादा शो देखे ने, लेकिन ओ हुण तुसी शायद ही कर रहे हो, मैं अगले दिन ताड़ा आया सी, ओ जेड़ा मैं ओही शो ताड़ा देखे। हां जी, समझ रहे हो। उमर वो शो भी उस तो अलावा जेड़ा ना ताड़ा इको डायलॉग बैठो बैठो लियाओ डाला, ऐ ते मैं मतलब। आप आओ इधर। आपका क्या नाम है? अहमद। अहमद थोड़ा फ्रेम में। अहमद आप किधर रहते हो? सारे लॉ दे स्टूडेंट ने, हुण देखो पता नहीं वड्डे हो गए सही केस लड़दे ने या नहीं लड़दे। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਦੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕੇਸ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਖਲੋਤਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਕੀਲ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਆਪਕਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਲਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਆਪ ਕੋ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਆਪਕਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਲੀ ਗੋਹਰ। ਅਲੀ ਗੋਹਰ ਜੀ ਸਰ, ਫਰੋਮ ਬਾਬਲਪੁਰ। ਬਾਬਲਪੁਰ ਜੀ ਸਰ। ਤੋ ਬਾਬਲਪੁਰ ਵੀ ਪਿਛੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਯਾਰ। ਜੀ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਥਾ ਉੱਧਰ ਜੀ ਸਰ। ਤੁਮੇ ਬਾਬਲਪੁਰ? ਬਾਬਲਪੁਰ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਤਾਰੀਖੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਘੁੰਮਤਾ ਹੂੰ ਫਿਰਤਾ ਹੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੇ ਬਾਬਲਪੁਰ ਮੇ ਰਾਤ ਕੋ ਡੇਢ ਦੋ ਬਜੇ, ਏਕ ਬਜੇ, ਦੋ ਬਜੇ, ਤੀਨ ਬਜੇ, ਦੋ ਬਜੇ, ਡੇਢ ਬਜੇ, ਢਾਈ ਬਜੇ ਵੀ ਮੈਨੇ ਫੈਮਲੀਏ ਦੇਖੀਏ ਫਿਰਤੀ ਹੋਈ। ਉਸਸੇ ਲਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ मतलब जो है ना कि वो एक तो कंफर्टेबल है और खूबसूरत है और अच्छा है, जो कि रात को भी जहाँ पे फैमिली फिर रही है। अक्सर औकात हम बड़े शहरों में जाते हैं ना तो फैमिलीज कम होती है, लेकिन बावलपुर जो कि हमारा एक बहुत खूबसूरत और किसी वक्त में
सिटी ऑफ नवाब, किसी वक्त में सुना है कि वहाँ पे बड़े नवाब लोग रहते थे। जी ऐसे ही जी भी नवाब ही जी सरदार सरदार जी केड़े सरदार सरदार राजपूत इधर आ रहे चोर का भरा हूँ बोलो क्या बोलना है, क्या नाम है आपका? विरासत अली। विरासत अली, आप भी लाहौर कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और आप भी लाहौर के रहने वाले? जी लाहौर के, मैं पैरागॉन सिटी में रहता हूं। अच्छा पैरागॉन सिटी में रहते हैं, तो बिल्कुल हमारे पास ही रहता है। मांगदा भी जी, मांगदा भी हज जुमेरात भी मंगीदा हुंदा बीच बीच में। कभी आप पढ़ से भी जरा, आपका क्या नाम है? मोहम्मद अब्दुल्ला। आप मतलब वाघा बॉर्डर के पास रहते हैं? वाघा बॉर्डर है दयाल गांव। दयाल गांव मुझे पता है, मुझे पता है। हाँ जी मुझे पता है, मैं जाता रहता हूँ। कभी आप और कोई हमारे पास? जी जरूर आऊंगा। इधर आए, इधर आए। ये जो हमारी बड़ी प्यारी सी स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका? फिजा। आप फिजा चीमा नाम है माशाल्लाह। तो आप क्या मतलब आप भी लॉ कर रहे हैं? आप लाहौर के रहने वाले? जी लाहौर। तो आपको क्या मतलब आपको जफरी खान से आपने मिलना था, मतलब आपको लगता है कि जफरी खान एक अच्छा आर्टिस्ट? बहुत अच्छा आर्टिस्ट माशाल्लाह। ये जिहड़ियां दुआवां ने ना, ये लैदा ही होंदी, इन्हां दा मजा ही होर होंदा। सुबह मैं बता रही थी कि पूरी फैमिली हम लोग सारे मुझे छेड़े पे कहो तो जा रही है मिलने के वो। नहीं नहीं भाई, हमारा ये जो घर है, ये फार्म हाउस है, ये सबके लिए। और आप यकीन करो कि आप लोग आए हो और मेरे लिए ये बड़ी खुशी का समय है। ठीक है, मेरा ड्रामा लाहौर से बाहर चल रहा है, ठीक है। इसके बावजूद मैं मतलब सुबह 4:30-5 बजे पहुंचा हूँ इधर, सिर्फ आप लोगों के लिए। और आप लोगों के लिए खाने का एहतमाम हो रहा है। इंशाल्लाह चिकन बिरयानी बना रहे हैं और साथ पालक गोश्त बना रहे हैं, क्योंकि लाहौरियों की ये फेवरेट डिश है। मूवीज अभी और भी आ रही है, अभी मूवीज और भी आ रही है। तो मेक्सिको में रोल है, वो बहुत अच्छा। आजा मेक्सिको चलिए, टंकी पे बनी हुई है, टंकी पे, टंकी पे फिल्म बनी हुई है। चल मेरा पुत्र, मैं आप भी तो वकील बने। चल मेरा पुत्र, मैं भी। ओए जी मैं कितना को पक्का कर दिया, मतलब मिनट लाका करावाला लेने कहता वकील साहब ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਆਓ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਜੋ। हाँ जी जी साडे नाम दी तूतियां बोल दी। उसमें एक सीन होता है ना फिल्म में, वो कहता है कि एक वो भी है मार डिप्टी। क्या नाम है आपका? सैयदा दुआ। सैयदा दुआ माशाल्लाह, बड़ा प्यारा नाम। आप भी लॉ कर रहे हो? जी माशाल्लाह, जीते रहो। और मेरी दुआ है कि आप जितने भी मेरे पास आए हो और आप दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करो। और अल्लाह ना करे कल को मेरे पे केस पड़े तो मेरा केस किसी लड़ना था। इंशाल्लाह ना, मुड़ के बाद ही कह देना जाई साहब तू तेरा की केस हो गया जी, बाहर बारिश हो रही, मैं तमाम फिर खड़ोता हूँ। बेफिक्र रहे हैं ओके दादा। आपका क्या नाम है? इकरा मजर। आप भी लाहौर से और आप भी लॉ कर रहे हैं? और मतलब घर में कोई, घर वालों की कोई प्रॉब्लम तो नहीं पढ़ाई में? वेरी गुड यार। मतलब ये कि बेटियां बहनों बच्चियों को जरूर पढ़ना चाहिए, और मतलब जितना ज्यादा पढ़ेंगी उतना ज्यादा आने वाली हमारी जो नस्ल, जो हमारा माशरा है, वो ज्यादा अच्छा और तालीम याफ्ता होगा। और मुझे बड़ा अच्छा लगा है बच्चों से मिलके। बच्चे कह रहे मेरे हामदे ही नहीं बचाए। ओके और कुछ बातचीत? आज ही उठे बच्चे ना बिजी ने जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जैन अली है। जैन अली, मैं भी लॉ का स्टूडेंट और टैक्सेशन का भी काम कर रहा हूं। मतलब कि वो कोर्स कर रहा हूं। कोर्स कर रहे हो? जी। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि आप जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वहाँ पे कुछ ड्रामा होता है या आप लोग प्ले करते हो कि आप लोगों की यूनिवर्सिटी में नहीं होता? क्योंकि ये डिग्री है
इसके अंदर ज्यादा धोनी जो पढ़ाई वगैरह ही है। अच्छा। तो इसके अंदर पहले होती थी स्पोर्ट्स वगैरह, तो अब उन्होंने बिल्कुल ही खत्म की हुई है। वो स्टूडेंट लैग निकलने लग पे बस इसी वजह से। अच्छा, आप कुछ कहना चाहो जो लोग लॉ करना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, आप उनको यही गाइड करना चाहूंगा। बहुत अच्छी डिग्री है और सारे कोशिश करें प्रोफेशनल डिग्री की तरफ आए। अच्छा, क्योंकि ये प्रोफेशनल डिग्री नहीं, ये नॉन प्रोफेशनल भी होती है। नॉन प्रोफेशनल ये होती है, तलाक वाले नॉन प्रोफेशनल। सारे स्टूडेंट है जो के आज मेरे फार्म हाउस पे मुझे मिलने आए, और मैं इनके लिए खाना वाना भी साथ बना रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा असल व्लॉग तो खाना बनाना है। यकीन करो भैन तो भराओ के खाना इन्ना हो गया कि मैनू इन्ने मैसेज आते ने, मैनू कॉल्स आंदियां ने, जे स्टेशन ते जावां जे शहर च जावां उत्थे भी लोग मैनू कहंदे ने कि तुहाडे हाथ दा खाना खाना है। तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं एक होटल ही पा लवां, फिर सारे भैन भरावां नू बुलावां। माशाल्लाह, भैन भरावां नू इंज लग रहा जिवें कोई कैटरिंग दा काम है। ਇਹ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ, ਇੰਨਾ ਖਾਣਾ ਨਾ ਬਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਕਸਰ ਔਕਾਤ, ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਐਕਸਟਰਾ ਬਣਦਾ। ਕੁਛ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਚੌਲ ਪਾਉਣੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ, ਜਰਾ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ, ਅਭੀ ਖਾਣੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ 10-1 ਮਿੰਟ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਜਦੋਂ ਪੱਕਣਾ ਹੈ। ਸਰ, ਵੋ ਮੈਨੇ ਵਲੌਗ ਮੇਂ ਦੇਖਾ ਥਾ ਆਪਕੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈਆਂ, ਵੋ ਦੇਖ ਲੈਂ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ? ਹਾਂ, ਚਲੋ ਆਓ ਆਪਕੋ। ਹਾਂ ਸੱਚ, ਵੋ ਤਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਦਿਖਾਏ ਆਪ ਲੋਗ। ਕੋਕੂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਤਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਆਇਆ। ਆਪ ਆ ਗਏ ਸਿਖਾਓ ਨਾ। ਸਰ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਸਰ ਪਸੰਦ ਹੈ? क्वालिटी देख के बताएंगे। आज से 10 मरतबा इनको हमने तोड़ लिया हुआ है। ये बताओ ना छोटा सा। हाँ जी हाँ जी, सारे बताओ लगे हुए। इनकम जनरेट होगी नहीं? अजाब में ये देखो, ये सारे लगे हुए। अभी ये सारी हमने मूली लगाई हुई है, ये सारा धनिया लगा हुआ है जी, वो भी मूली है, वो शलजम है। अभी आप लोगों को नहीं मिलना सारे आलू? नहीं, मतलब कौन सी वाली मूली? छोटी नीचे से तो साइज के साथ है ना? अच्छा है। अभी वैसे थोड़ा सा टाइम हो ना, तो आप लोगों को इसके अगर काट के अगर बेसन में तल के दूं ना, तो आपको इतना इतना फ्रेश कभी भी नहीं आपको अच्छा लगेगा। क्यों जी? ये कितना प्यारा है। ये और देखो, वो देखो पन्नी से ये पकड़ो। ये लो जी, ये सुबह किए थे। सुबह किए थे आपने? ये हैंड वॉश करने के लिए। हां जी, ये देखिए जी, क्या मजे का साइज। एक्चुअली ये अब सीजन जा रहा है ना, अभी सीजन जा रहा है। ये ले जी, वो देखो नीचे वाला भी तोड़ लो, तोड़ो आप। अब ये देखो जी, नीचे में से देखो। बताओ लगाया था आप लोगों ने? नहीं, अभी देखो, वो तोरियां भी लगी हुई हैं। सर, ये हम भी जमींदार हैं, आपने सब्जी बहुत लेट हो गई अपने इस दफा हुई है। ये सारे शलजम लगे हुए हैं जी, ये सारे शलजम, और ये सारी मेथी, ये सारी पालक लगी हुई।
अच्छा नहीं ये मेथी है सारी ठीक है वो पालक है ठीक है ना अभी इसमें वो कुछ चीजें ना जांच नहीं हुई हर चीज की जांच ना सीख रहे हैं जी जी लेकिन फिर भी असि तकरीबन अपने खान जिनी असि तोड़ लेने गपशप रखा पता सब्जी बाकी हम थोड़ा सा 10-15 दिन लेट हो गए ये देखो शलजम ये शलजम निकाल लो ये अभी बड़े होंगे ना अभी मुन्ने मुन्ने से हैं ये भी सर आपने ऐसे लगानी थी ये जैसे भट्टों पे लगाए हुए ना जैसे मूलियां लगाई हैं शलजम भी खाना है ना जितना हमने खाना है क्योंकि इसको पता है जितना हमने खाना है उससे ज्यादा हो जाता है अभी हमने ये वो तोरियां लगी हुई है मेरे आप ब्लॉग देखो हम हर टाइम में 8-10 किलो तोरियां उतारे हैं ठीक है ये बताऊं 2-4-5 किलो हर दफा उतरते हैं मेथी पालक वो भी 3-3-4-4 किलो तो वो अपने खाने के लिए काफी है अगर कोई यार दोस्त को देना हो तो उसको भी दे देते हैं मैं दुबई एयरपोर्ट पे था तो ऑस्ट्रेलिया जा रहा था मैं तो वहाँ पे मुझे 2 लड़के मिले वो मतलब जरूरी नहीं होता कि आपको कोई चीज़ मिले उन्होंने मुझे कहा कि जफी भाई हमने एक हेल्थ और ये क्या कहते हैं जो ज़राई होते हैं कहता हम उधर करते हैं तो हमने ना आपके ब्लॉग देखे और हम ये चाह रहे हैं कि आपको एक अवार्ड देना है किस चीज़ का अवार्ड देना कह रहे जी वो इसलिए देना कि आप एक एक्टर हो के और एक शहर की ज़िंदगी में रह के तो आप ये गाँव को सब्जियाँ वगैरह या आप ये चीज़ें लोगों को अवेयरनेस दे रहे हो तो हम चाहते हैं कि आपके देख के लोग और भी ऐसा करें तो बहुत से ऐसे लोग हैं कोई गमलों में कोई अपने घर में कोई थोड़ी सी साइड खोद के कुछ ना कुछ चीज़ें जो है ना वो लोग लगाना शुरू हो गए मुझे बड़े कॉमेंट्स आते हैं अच्छी बात है हम अपने खाने के लिए तोड़ लेते हैं जो भी मेहमान आता ना उनका दिल कर रहा होता कि सानू सब्जियां वहां इसे तरह ही जो स्टूडेंट आए भी कह रहे सानू सब्जियां वहां मैं दहा आया हूं अल्लाह दे सोने गेस्ट हो यार ओके यार पीछे लाओ कोई हिसाब किताब नहीं आपने बुलाया आपकी हमताबे जा रहे हैं मुझे ना बाल फेंकने की आदत है मैं बाल फेंक
ऐसे प्रॉब्लम है। बॉल तो कीपर को भी नहीं फड़ी जा रही। ये जरा छोटा सा मैच हो रहा है, अभी देखो मैच में बनता क्या है। प्लेयर गेंद को आएगा, बंद करो मैच। हेलो भाई, देखिए जरा बिरयानी रेडी हुई कि नहीं। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। पालक गोश्त हम बना रहे हैं। आफ्ताब इकबाल के साथ भी आपने काफी शो किए हैं, उसमें आपका उनके साथ ड्यूरेशन कैसा गुजरा? मेरा थोड़ा सा टाइम ही 2-3 महीने आफ्ताब भाई के साथ गुजरा है, क्योंकि मेरा एक अपना बिजी शेड्यूल है, आउट ऑफ कंट्री मूवीज करना, फिर मैं आउट ऑफ सिटी ड्रामा करता हूँ, इसलिए मेरा उनके साथ बड़ा कम टाइम गुजरा है, लेकिन वो अच्छे हैं बस। तो आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज कैसे करते हैं? प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को? अपनी फैमिली को मतलब इतने बिजी शेड्यूल में कैसे टाइम देते हैं? तो मैं घर ही हूं ना, कि मैं कितने जाना होगा। रात को तो बंदा घर ही होता है, बिजी शेड्यूल जो है फैमिली के लिए टाइम निकल ही आता है, वो इसलिए कि मतलब जाहिर है सोना खाना तो बंदे ने घर ही आके होता है ना, तो फैमिली के लिए टाइम निकल जाता है। हम चूंकि स्टेज प्ले करते हैं, ड्रामा करते हैं, वो जहाँ भी करते हैं कोशिश करते हैं रात को घर ही आ जाते हैं। हाँ, जब आउट ऑफ कंट्री जाते हैं पंजाबी फिल्म करने, वहाँ पे 2-3 महीने 4-6 महीने में लग जाते हैं, लेकिन वापस घर ही आते हैं। इंडिया कैसा रहा था? इंडिया बड़ा अच्छा रहा है, बड़ी इज्जत अल्लाह ने दी हमें, और मैं वहाँ पे विन करके आया था मजाक में, और वहाँ पे मैंने सोहा लिखा उनके साथ परफॉर्मेंस की थी, और बड़े आर्टिस्ट थे जिनके साथ मैंने परफॉर्मेंस की थी। नहीं, जैसे इधर रिस्पेक्ट आपको मिलती है वैसे मिलती है? इससे ज्यादा थी भाई। अच्छा। उधर वो कलाकार को कहते हैं अल्लाह की इसके ऊपर कोई खास रहमत, वो ये कहते हैं, इसलिए वहाँ पे फनकार की बहुत इज्जत करते हैं, यहाँ पे भी बहुत इज्जत करते हैं। मतलब तुझे मेरी इज्जत ही कर रहे करो, आज कुवाड़ी भरी है वो, आप खुद ही कुवाड़ी हैगा, उन्हें कुवाड़ी भर के की करते हैं, जेब जो हाथ नहीं काट रहे हैं, पता नहीं किन्नी ढीली पाई पाई। आप मैंने एक दफा ना ठाकुर साहब का देखा था इंटरव्यू, उसके अंदर वो कह रहे थे कि जो स्टेज एक्टर्स है ना, उनकी बाहर के ममालिक में जितने भी हैं वहाँ पे काफी ज्यादा रिस्पेक्ट है बनस्पत इनके जो ड्रामास वगैरह में आते हैं, वैसे सिंपली उनको, यानी कि अगर वो वहाँ पे कोई रोल प्ले के लिए कहीं भी, तो उनको रोल प्ले नहीं मिलता जितना स्टेज एक्टर्स की वहाँ पे है। डेफिनेटली, वो इसलिए कि अनकरीब सेकंड लैंग्वेज जो है, मुझे लगता है मेरा जहाँ तक मैं घूमा हूँ दुनिया, पंजाबी लैंग्वेज जो है वो सेकंड होने वाली है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि पंजाबी इतना है, तो जहाँ जहाँ पंजाबी सुनी जाती है या देखी जाती है तो वहाँ वहाँ सब हमें जानते हैं। तो सही कह रहे हैं, मैंने अपने कई इंटरव्यू में कहा है कि हम जैसे ही पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो वहाँ पे मतलब हमने लोगों को ऐसे भी देखा है कि जैसे एक जो होता नहीं कि जिम्मे हथों मोबाइल देख चला है, या इतना एक्साइटेड हो गया जफ्फी भी पा रहा थे, उधर हथ कम रहे कि भाजी, मतलब तो इस तरह के भी लोग हैं जो हमें मिलते हैं, एक्साइटेड इतने हो जाते हैं। जब आप फर्स्ट टाइम आउट ऑफ कंट्री मूवी करने गए थे तो आपके एक्सप्रेशन क्या थे फर्स्ट टाइम उनके, आपने किस तरह अपने आप को मैनेज किया? मैनेज, एक तो लंदन में सर्दी बड़ी थी, तो दूसरी बात ये है कि बस वो काम ही था, कोई मतलब उसमें कोई डिफरेंट तो नहीं था, कोई चेंज तो नहीं था, मतलब बस वो हमने मूवी इधर भी की है, ड्रामा भी किया है, जस्ट एक मूवी थी, एक रोल था वकील का, दूसरी बात ये कि थोड़ा सा मैं लेट हो गया था, मेरा वीजा इशू था, अदरवाइज मेरा रोल और था, मैं सेकेंड पार्ट में पहुंचा हूँ चल मेरे पुत में, जब वो तकरीबन 75% फिल्म बन चुकी हुई जी,
तो फिर उन्होंने कहा अब वीजा लगा है, तो फिर उन्होंने मुझे एक वकील सा बना के मेरा रोल उसमें ऐड कर दिया। मेरा आपसे एक सवाल है कि जब आपने स्टार्टअप किया था तो आपको किसने इंकरेज किया था कि आप इस फील्ड में आए, मतलब स्टेज एक्टर और एक्टिंग वगैरह? पता क्या, घर से तो हर बंदा ना हीरो बनने के लिए निकलता है। जी जी जी। तो अब अगर फिल्म में हम जाते या टीवी में जाते तो वहाँ पे तो ना कोई सिफारिश थी, तो ना कोई मतलब कोई जैसे होता है कि बड़ा भाई डायरेक्टर है या कोई बाप कोई टेक्नीशियन है या टेक्निकल स्टाफ में है। तो मुझे लगा कि थिएटर एक ऐसी जगह थी जहाँ पे हम इजी स्ट्रगल कर लेते थे अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पे कोई हमें नहीं रोकता था भी क्यों आते हो या क्यों जाते हो। तो बस मुझे लगा कि थिएटर जो है ना ये एक ऐसी पौड़ी है, ऐसी सीढ़ी है ये, कि आप इसको ना चाहे फिल्म इंडस्ट्री के साथ लगा लो, चाहे इसको आप टीवी इंडस्ट्री के साथ लगा लो, चाहे इसको आप थिएटर इंडस्ट्री के साथ लगा लो, चाहे आप इसको स्टैंड अप इंडस्ट्री के साथ लगा लो, आप मार नहीं खाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपने थिएटर किया ना तो मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट एक्टर जो है वो थिएटर का है। मुझे अनुपम खीर साहब का एक इंटरव्यू मैंने देखा था बड़ी देर पहले, तो वो कह रहे थे कि मैं एक फिल्म के ऑडिशन के लिए गया था, तो वहाँ पे ना वो फॉर्म दे रहे थे, तो वो फॉर्म फिल कर रहे थे, तो कहते मेरा ना कुछ 10वां 12वां नंबर था, तो मैं ऐसे खड़ा हूँ, तो वो एक लड़का मेरे पास से गुजरा, तो उसने मुझे कहा कि आपने फॉर्म फिल किया है? तो कहते मैंने उसको कहा कि मैं थिएटर करता हूँ, तो वो कह रहा आप बीच में से बाहर आ जाए, आप लाइन से बाहर आ जाए, आप उधर जाके बैठे। तो कह रहा उसने मुझे अंदर चेयर पे बिठा दी, वहाँ पे 2-3 लड़के बैठे हुए थे, तो वो सबसे पहले हमारा इंटरव्यू हुआ था, यानी कि वो मतलब थिएटर की इतनी रिस्पेक्ट है कि उसको पता है कि भी इसका क्या ऑडिशन लेना है, जो थिएटर लाइव करता है पब्लिक के सामने, उसका क्या ऑडिशन करना है, वो तो आगे 300-400 बंदे के सामने परफॉर्मेंस कर रहा है। तो पूरी दुनिया में अगर मैं पिछले दिनों न्यूयॉर्क गया हुआ था मैं और मेरा बेटा, तो मेरा दिल किया मैंने कहा ड्रामा देखने चले, तो मैं एक ड्रामा चला गया देखना, वो एक मेम बैठी थी, मैंने उसको कहा कि मैंने ड्रामा देखना है तो 2 टिकट्स चाहिए, तो वो मुझे कह रही नेक्स्ट वीक। मैंने इसको कहा, मैं क्या ये हमारी टिकट है, हम न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस जा रहे हैं, कल की हमारी फ्लाइट है, बस यही 2-4 घंटे हैं, अगर आप प्लीज़ टिकट दे दो, मैं भी एक एक्टर हूँ जो भी हूँ। उसने कहा हाउसफुल है, यानी कि पूरी दुनिया में सबसे जो कहते हैं रॉयल, जिसको कहते हैं रॉयल शौक या रॉयल शौक या रॉयल चॉइस कह सकते हो, वो पूरी दुनिया में थिएटर है, इनका थिएटर को एक रॉयल की नज़र से देखा जाता है। अच्छा मेरा भी आपसे एक सवाल है, आप सबसे पूछते हैं कि आपके साथ उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप हमें ये बताएं हमारे साथ आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? कदों हाली में तेरे को क्रिकेट खेली दो दिन बोलना तो खेली ही नहीं। अच्छा वो तुम करा रहे नहीं करे जाए नहीं, मुझे अच्छा लगा है आप लोगों के साथ, मैं मतलब और आप लोग इंशाल्लाह मेरे ब्लॉग देखे, हम जो आपके लिए खाना बनाया इंशाल्लाह आपको मजा आएगा, आप तो सब्सक्राइब भी करेंगे ना, डेफिनेटली करना पड़ेगा, पड़ेगा एक प्लेट के पीछे एक सब्सक्राइब। आप लोगों को अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। ओके मुझे लगता है आप खाने पे चलें। ओके जी खाने पे ओके, थैंक यू। आपने बोला
हां टेबल फ्री है तो हां इधर हो सकते थे ये स्पून साफ है नहीं मैं हाथ से तो जी ये खाना रेडी है तो जरा ट्राई करें आज और गरम भी बहुत है पालक और चिकन अल्लाह रहमान सुभान अल्लाह भाई मैं कहता हूं बहुत अच्छे बने सही बताएं आप बहुत अच्छे बने पालक गोश्त पालक गोश्त भी अच्छा बना ने पहला तो भराओ देख लो साडे स्टूडेंट हैप्पी हो गए खाना वाकई बहुत अच्छा बना सुनाओ जी खाना कैसा है बिल्कुल मामा जी बहुत मजेदार बेहतरीन खाना जिवें ताडे व्लॉग च तुम देखया ना लो जी भैन तू भराओ खाना शाना स्टूडेंट लोग ने खा लिया ते आप कुछ कहना चाहो पब्लिक को सारे अपनी दुआवें याद रखांगे चलते चलते अल्लाह हाफिज़।